समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो कानून है वो पुरानी विचारधाराओं को लेकर के है। दहेज नाम की चीज बहुत कम हो गई है, इसलिए ऐसा नहीं कि कानून नहीं होना चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन साथ में उसमें इस प्रकार का पूर्णिया होना चाहिए कि अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। अब आजकल जो पुलिस की जो वेबसाइट है उनका भी दुरुपयोग करते हैं, तो इस तरह से जो कानून का दुरुपयोग करे उसे ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग करने का फल बहुत बड़ा होता है और उन्हें भी सजा हो सकती है। जब इस प्रकार का कोई प्रोविजन होगा तो ड्यूटी कंप्लेंट करते हैं। यहाँ के मीडिया कर्मियों सभी को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ कि महाराष्ट्र में आज नागपुर में एक व्यस्तम जगह में एक व्यस्तम सेंटर पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, या कहें महिलाओं के कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, सिर्फ घर की बहुओं के लिए ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता था। एक समय था जब घर की लेडीज, लेकिन मेरा यहां पर ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये कितना आसान है कि कोई भी महिला अगर पुलिस में एक छोटी सी कंप्लेन कर दे, एक छोटी सी रिपोर्ट कर दे, तो मर्दों को वो आसानी से 498A के केस में फंसा सकती है। इससे उसका उसकी नहीं उसकी फैमिली और उसका जो सोशल कैरियर सारा तबाह हो जाता है। मैं आपको इसी तरह के महिला अपने ससुराल में वापस जाती है और अपना सामान वापस लेकर आती है पुलिस के साथ, तो एक केस में 406 में महिला जब पुलिस के साथ अपना सामान लेने पहुंचती है तो वो अपने और भी परिवार वालों को लेकर साथ पहुंचती है वहां पर, और अपना ससुराल का सारा सामान, उसका अपना सामान प्लस अपने ससुराल का सारा सामान वहां से उठाकर ले लेती है। इतना ही नहीं, उस महिला के जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, वो लड़के के पिता के साथ में गाली गलौज भी नहीं करते, उनको मारने की भी कोशिश करते हैं, जिनके कारण उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ता है। और वो भी ऐसा उनका जो उनकी जो कोशिश थी वो उनको सिर्फ मारने तक की नहीं थी, उनको सिर्फ एग्यूज करने तक की नहीं थी। सामाजिक सवाल है, कानून कितना भी बनेंगे बन भी गया अगर कानून भी, तो
तो भी जब तक हम सामाजिक तौर पर इस तरह का ये प्रचार नहीं करेंगे, हम तैयार नहीं होंगे, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, तब तक इसका जब सदुपयोग होना या इसको अमल होना मुमकिन तभी मुमकिन हो सकता है। तो मित्रों, मैं आज के तक में इतना ही कहना चाहूंगा कि वो ऑनलाइन की जो है आपकी मान्यता जो है ऑनलाइन की समझौते का उसको आधार दिया जाए। और अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि भारत पुलिस स्टेशन में महिला सेल निकाला है, महिला सेल एक बीच का रास्ता है, महिला सेल एक बीच का रास्ता है कि कुछ ही झंझट होने के पहले पति के तरफ से या परिवार बहन टिफन पास देते हैं, हाँ मद्रासा रहते टिफन देते हैं, वाह वाह सगे 12-13 लोग मिलन पूरा मारता। आणखी सांग, हे पोलीस प्रोटेक्शन जे आहे ते सुद्धा चुकीचं आहे, ते चुकीचा निर्णय देतात। त्यांना पाहिजे असते फक्त लोन घ्यायचं, दह्यावरचे पाय केवढी घेता येईल हीच वेळ आहे म्हणतात। आणि कोर्टामध्ये पाय घासता पूर्ण परिवाराला त्रास होतो, पूर्ण परिवार नेस्तनाबूत होऊन राहिले, अशा कितीच्या किती कुटुंब उद्ध्वस्त होऊन राहिले। शेवटी पर्याय मिळत नाही तेव्हा पुरुष आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहेत, आत्महत्या करतात। आणि त्याने आत्महत्या केली तर पोलीस स्टेशन सुद्धा दखल घेत नाही, न्यायालय सुद्धा दखल घेत नाही। पण स्त्रीला थोडंसही खरंच आली, तिने परिवारात थोडा वाद झाला आणि स्वतःला जाणून घेतलं तर पोलीस स्टेशन धावते, सगळे लोक धावतात की नाही हे स्त्री जळली म्हणून। हे किती चुकीचं आहे।